नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AIBE 15 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, साथ ही उसकी आंसर की भी बताएंगे, उसका कौन सा आंसर करेक्ट है। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किस तरीके का पॉलीथीन में पैक होकर के ये पेपर आता है, उन सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। और थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आपको जो एनवेलप मिलेगा जो कि पॉलीथीन का सील्ड पैक रहेगा, इस तरीके का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरीके का रहेगा। इसको आप अभी से पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाइए ताकि वहाँ पर आपका समय बच सके, और किसी भी तरीके का आपका एक एक सेकेंड वहाँ पर कीमती होता है, आप बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें और आप 100% पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आएँ। इसमें बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए गया था तब मुझे पता नहीं था, और काफ़ी उसके पहले मैंने खोजा नेट पर भी तो मुझे कहीं पर ये लिख के नहीं मिला कि यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो इस तरीके का मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क जो आपके होते हैं वो होते हैं 40 नंबर, 40 नंबर में आप पास होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 100। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 100, यानी कि एक प्रश्न सही होने पर आपका एक नंबर मिलेगा और एक प्रश्न आपका गलत होने पर आपको एक नंबर काट लिया जाएगा। इसमें लिखा है सबसे पहले तो सेट होता है कौन सा है, उसका एक स्लिप होती है, कौन सा वर्जन है, यानी कि हिंदी हमने भरा था तो हिंदी इसमें लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसमें एक क्रमांक रहता है। इसके बाद में दिस सील्ड एनवेलप कंटेन्स द फॉलोइंग मटेरियल्स, काइंडली क्रॉस चेक द कंटेंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। इसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक तो आपकी OMR सीट रहेगी और एक आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर पर आप चाहें तो अपने हिसाब से निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मैं क्या करता था, मैं पहले जो क्वेश्चन भी देखता था, क्योंकि हमारे टाइम पर ये AIBE जो 15 हुआ था उस टाइम पर ओपन बुक सिस्टम यहाँ पर लागू था, तो हम लोग बुक बेयर एक्ट्स और जो भी कंपटीशन की किताबें हैं, मटेरियल जो भी था हमारे पास, नोट्स वगैरह सब कुछ हम ले जा सकते थे। तो मुझे यहाँ पर हेल्प करी है बेयर एक्ट्स ने, तो बेयर एक्ट से ही इसमें फंसता है। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक्स होती हैं वहाँ से आपको ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं यहाँ पर, अगर आप बियर आईटी के अलावा कुछ भी और ले आते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के आने वाले समय में AIBE 16 या फिर उसके आगे जो भी पेपर होंगे, जैसे कि 17-18 AIBE का किस सन में होता है, किस डेट में होता है, ये तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब भी होगा तो इसमें ओपन बुक सिस्टम ख़त्म होने वाला है और एक ना एक दिन ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और बार काउंसिल जो है इनको कोई भी भत्ता नहीं दे पाता है, हमसे तो मोटी फीस वसूल लेता है, लेकिन अगर इनसे किसी प्रकार की मदद मांगी जाती है तो यहाँ पर आनाकानी की जाती है। तो यहाँ पर आपको OMR सीट और क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिलेगा यहाँ की, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ही आपको टिक लगा करके सबमिट नहीं करना है, जो भी आप टिक लगाएंगे क्वेश्चन पेपर पर वो आपके पास ही रहेगा और आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा, आपकी आदत के लिए रहेगा कि ये मैंने अटेंड किया था। OMR सीट अलग से होती है, सिंगल पेज की होती है, इसकी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है हमारे पास क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फिर भी लेकिन हम सभी अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ताओं पर किसी का ज़्यादा जोर चलता नहीं है। एक्चुअली कुछ लोग मोबाइल लेके भी चले जाते हैं और OMR जो सीट होती है उसकी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की फ़ोटोज़ वो ले लेते हैं, ताकि जो उनने अटेंड किया था उसको जो निशान उनने लगाए थे, जो गोले रंगे थे, उनको वो बाद में आंसर की से टैली कर सकें। तो ऑफिशियली ये अलाउ नहीं होता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप यदि बेयर एक्ट अलाउ होते हैं तो बेयर एक्ट ही ले जाएँ, आप नोट्स ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट टिप्स, यदि आपको फ़ोटो कॉपी ले जाने की ज़रूरत है या अलाउ होती है तो आप बेयर एक्ट का जो फ्रंट पेज होता है, इंडेक्स होती है, जो इंडेक्स कवर पेज की कोई ज़रूरत नहीं है, कवर पेज का भी है तो अच्छी बात है, वहाँ पर आपको मिल जाता है कि किस बेयर एक्ट का है, संबंधित बेयर एक्ट का नाम मिल जाता है, हिंदी अंग्रेजी और उसका जो जैसे कि कोई भी एक्ट है तो उसका पारित होने की उसमें दिनांक भी रहती है। इसके अलावा जब आप इंडेक्स का ले जाते हैं तो इंडेक्स में आपको रूल्स एंड ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको उसमें जो धाराएं होती हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी मिल जाते हैं। बल्कि टेक्स्ट बुक की यदि बात करिए तो टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, उसमें अगर धाराएं ढूंढनी है तो आपको बीच में कहीं जाना होता है, या फिर किसी में जैसे IPC वगैरह है तो उसमें टेबल बनी हुई होती है, मेरे पास जो बुक है उसमें टेबल है बीच में एक अलग से, उसमें सभी सेक्शंस हैं और उसके क्या सज़ा है, उसके क्या प्रावधान हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सभी बुक में ऐसा नहीं मिलता है और हमें उसका पेज नंबर भी पता नहीं होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं उनको आप ध्यान रखें, और बियर एक्ट के अलावा जो भी आप मटेरियल ले जाएं, या बियर एक्ट में भी आप चाहें तो टिचिट लगा सकते हैं, एक जो टैग होता है कागज़ का स्लिप होती है उसको आप बीच में लगा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि आप
कौन सा टॉपिक यहाँ पर है और साथ में उसका पेज नंबर भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीज़ें तो हमारे पास हो गई इस इनवेलप के अंदर, एक तो एमआर शीट, एक क्वेश्चन पेपर। इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनेशन, काइंडली डू नॉट ओपन दिस इनवेलप अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए आप इस इनवेलप को नहीं खोल सकते। लेकिन हम पर किसका जोर चलता है, हम तो पहले ही खोल के बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बता रहा हूँ, सेम इंस्ट्रक्शन आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। सीधा आप इनवेलप ब्रेक करेंगे अपने टाइम पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस काइंडली फिल द OMR शीट विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पर जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा है, यूज ऑफ वाइटनर इरेजर एंड आंसर शीट ऑन आंसर शीट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यूज ऑफ वाइटनर ऑन आंसर शीट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ आंसर शीट। यदि आपने वाइटनर का यूज किया है तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकती है। एक भाई साहब ने हमारे साथ में ऐसा किया था, हमारे साथ में थे, उन्होंने जैसे ही रोल नंबर भरा गलत कर दिया, और बाद में उन्हें वाइटनर का यूज भी करना पड़ा, और मुझे पूरी आशा है कि उनका ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया होगा। क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, OMR शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये कंप्यूटर द्वारा इसकी गणना होती है, क्वेश्चंस को रीड किया जाता है, उसी से कॉपी आपकी चेक होती है, मैनुअल इसमें कोई भी काम नहीं है। तो वाइटनर के द्वारा ये मशीन फंस जाती है और ये ठीक से आपकी काउंटिंग क्वेश्चंस की नहीं कर पाती है, इसलिए इसको मना किया गया है। और ब्लेड से अगर आप करते हैं कलाकारी तो उससे भी आपका OMR शीट ख़राब हो सकती है। कटना फटना नहीं चाहिए, कोई निशान अतिरिक्त नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर भरने का है, दोनों साइड आपको भरनी है, दोनों साइड ही भरें आप। पहली बात तो आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको बता देगा कि आपको इसमें क्या क्या भरना है। नहीं यदि आपको समझ में आता है, वैसे आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होती हैं, डबल ग्रेजुएट होते हैं, तो आपको इतना तो पता होता है कहाँ क्या भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर जो अधिवक्ता का होता है वो एक ही होता है, वहाँ पर आपको जगह, जहाँ पर जगह दी गई है वहाँ पर आप इसको भरेंगे। नेक्स्ट है, काइंडली फिल इन योर रोल नंबर नेम एंड सेट कोड केयरफुली बोथ ऑन आंसर शीट एंड अटेंडेंस शीट। एनी मिसमैच वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर कैंडिडेचर। यहाँ पर आपको सावधानी से भरना है, नाम, रोल नंबर और जो भी आपका कोड है उसको बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि यदि आपने कोड गलत भर दिया तो आपकी उसी कोड के हिसाब से चेक होगी। जब आपकी OMR सीट जाती है कलेक्ट होकर के, तो उसको डिवाइड कर लिया जाता है, ए सेट वालों की अलग छटनी हो जाती है, बी की अलग, सी की अलग और डी की अलग। उसी प्रकार से जब कंप्यूटर में कमांड दी जाती है, सी के लिए सी का बटन को दबा करके उसको आंसर चेक करने के लिए चेक पर क्लिक करते हैं, तो सभी पूरी जो गड्डी होती है सी का सेट एक साथ जब चेक होगा तो उसी क्रम में चेक करेगा और उसी क्रम में आंसर्स लेगा जिस क्रम में आपके क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो यदि आप गलत सेट भर देंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैच नहीं करेंगे और ऑब्वियसली बात है आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पांचवा, ओनली वन आंसर ऑप्शन शुड बी फिल्ड इन फॉर ईच क्वेश्चन। मल्टीपल मार्किंग ऑफ ओवल फॉर अ सिंगल क्वेश्चन वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ दैट आंसर। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने क्या किया कि पहले मुझे जो भी क्वेश्चन मिलते जा रहे थे मैं उसको निशान लगा रहा था अपने क्वेश्चन बुकलेट पर। इसके बाद में मुझे तकरीबन 39 क्वेश्चंस मिल गए थे, तो मुझे अच्छे से याद है मेरा एक क्वेश्चन रह रहा था, तो एक क्वेश्चन के लिए मैंने फिर तुक्के का इस्तेमाल किया। कैसे किया कि 39 क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिल गए टाइम रहते हुए, फिर मेरे पास इतने में ही मुझे काफ़ी कम टाइम मिला, तो मैंने आधे निशान लगा करके पहले उस पर OMR शीट पर उसको फिल किया, फिर आधे के लिए मैंने टाइम बाद में निकाला, क्योंकि टाइम के लिए मैं घड़ी प्रॉपर बांधे हुए था तो मैं उससे टाइम भी देख रहा था। इसके बाद में टिक लगाने के बाद में मुझे थोड़ा सा रिमेम्बर हुआ कि एक को पकड़ना चाहिए, ए बी सी डी, कोई में से एक को पकड़ना चाहिए। तो जो मैं निशान लगा चुका था उसके अलावा मुझे जो भी नहीं आ रहे थे उसके लिए मैंने ए को पकड़ा, ऑप्शन नंबर ए को पकड़ा, और जितने मुझे छूट रहे थे उन सब पे मैंने ए का निशान लगाया, ए पर मैंने गोला रंगा, और इस तरीके से मैं सक्सेसफुली पास हो गया हूँ। और इसका जो भी रिजल्ट है मेरा वो आप देख सकते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/2/93 है। आप चाहें तो इस जो यहाँ पर आपका वो दिख रहा है, आगे भी आपको रोल नंबर वगैरह मेरा दिख जाएगा, उससे आप चेक कर सकते हैं मेरा रिजल्ट जो है पास है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो 39 नंबर हैं वो भी बेकार हैं और आपके 100 नंबर भी बेकार हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी मेरिट लिस्ट बनने वाली नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो यहाँ पर आप अधिक से अधिक अंक लाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप यदि एक नंबर भी कम पड़ता है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल एक ही चांस है, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा और 3,500 रुपये आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। सभी को पता है जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं,
इंस्ट्रक्शन नंबर सेवन, आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन काइंडली हार्ड हैंड ओवर आंसर सीट एंड कोविड डिक्लेरेशन टू द इन्विजिलेटर। तो जब हमारा एग्जाम हुआ था AIV 15 का, तब कोविड चरम पर था। उस टाइम एक डिक्लेरेशन फॉर्म हमको जो देना पड़ा था वो आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको आपके जो एडमिट कार्ड होता है उसके पीछे आपको मिल जाएगा। इसके बाद में उसको आपको भरना पड़ेगा, ट्रैवल भरना पड़ेगा, आपको ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, ऑटो से आए हैं, उसका नंबर भी लिखना पड़ेगा, उस पर साइन करके आपको इन्विजिलेटर को जमा करना पड़ेगा OMR सीट के साथ में। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद में हम चलते हैं कि ये आगे से इस तरीके का फ्रंट रहता है, पीछे से इसका इस तरीके का रहता है। और इसके बाद में इसके जैसे ही हम इसकी सील ब्रेक करते हैं, आगे हमें इसके अंदर OMR और क्वेश्चन बुकलेट मिल जाता है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसके पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तकरीबन जितने भी AIV होते हैं सभी के लिए क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके का रहता है, और ये आप मान करके चलते हैं कि इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, किसी टॉपिक में से कम आते हैं, किसी में से ज़्यादा आते हैं, एक दो नंबर का हेरफेर हो सकता है, ऐसा स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप इसमें नंबर एक पर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 10 नंबर का आता है, यानी कि 10 क्वेश्चन आते हैं। IPC है इंडियन पिनल कोड, 8 अंक का CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर इसको कहें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 10 नंबर का आता है। CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी 10 नंबर का आता है। एविडेंस एक्ट, ये 8 नंबर का आता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 नंबर का आता है। फैमिली लॉ, इसमें आपके दोनों आ जाते हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ये 8 नंबर का आता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ये 4 नंबर का आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये 3 नंबर का आता है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं एडवोकेट्स लेकर के, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ये 4 नंबर के आते हैं। कंपनी लॉ 2 नंबर का आता है। एनवायरमेंटल लॉ 2 नंबर का। साइबर लॉ 2 नंबर का। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 नंबर। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 नंबर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 नंबर। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 नंबर। इस तरीके से आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं, इन सभी एक्ट्स की आपके पास में बाजार में जो है मार्केट में आसानी से बुक्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो हैं कुछ बुक्स और हैं जो कि टिक नहीं लगी हैं, वो आसानी से मिलती नहीं है या फिर काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो जो जो टिक है वो मुझे मिली थी मार्केट में, इसके अलावा इन्हीं से मैंने काम चलाया और मैं पास हो गया हूँ। जैसे कि आपका कंपनी लॉ वगैरह है और टैक्सेशन वगैरह, ये काफ़ी लेंदी हैं और 3,500 रुपये की एक बुक आती है, और अलग अलग प्रकाशन की अलग अलग प्राइजेस होती हैं। इसके बाद में ये आपका सिलेबस हो गया है, ये आपका पेपर स्टार्ट यहाँ से होगा। यहाँ पर आप मोटा मोटा इसमें मैं जल्दी जल्दी इसमें पढ़ते जा रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को भी, ताकि आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन छूटे ना। इस तरीके से ये आपका एक बुकलेट नंबर रहता है यहाँ पर, ये रहा आपका बुकलेट नंबर। इसके बाद में सेट आपको दिख रहा है इसमें। इसके बाद में आप नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर, ये बिल्कुल आप सही भरें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, काइंडली रीड दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर एंटरिंग दिस क्वेश्चन पेपर। दिस बुकलेट कंटेंस 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन इन ट्रांसलेशन काइंडली रिफर टू द इंग्लिश वर्जन फॉर क्लैरिफिकेशन, जो आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। मेक श्योर दैट सेम क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड इज मैंसनड ऑन ऑल द सीट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। इन केस ऑफ एनी चेंज इमीडिएटली इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर, यदि आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन्विजिलेटर को बता सकते हैं, कटी फटी है या फिर कुछ भी उसमें जो क्वेश्चन है वो मिस है, तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं। इसके बाद में है इसके बाद में आपका नेक्स्ट है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 3 आवर्स ओनली, 3 घंटे का है और नो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर बोल्ड भी है आपके लिए।
फिल इन योर रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुक लेट सेट कोड वेरी केयरफुली एंड एज दी आंसर सीट विल बी एवेल्यूएटेड एज पर द कोड यू मैंसन ऑन द आंसर सीट। काफ़ी आपको सावधानी से भरनी ये चीज़ें, बुकलेट नंबर, बुकलेट सेट और रोल नंबर। अंडर नो सर्कमस्टांसिस विल द आंसर सीट टू बी एवेल्यूएटेड विद एनी अदर क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। ओनली बुक एंड नोट्स आर अलाउड फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था उसमें बुक्स और नोट भी अलाउड थे। अब बुक्स में आपके डायरेक्ट भी आ जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। मोबाइल फोन्स, टैबलेट और लैपटॉप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एग्जामिनेशन हॉल। ऑन पोजेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। कुछ भी आपके पास पाया जाता है तो आपका जो एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। तक आपका पूरा ना हो जाए तब तक आपको छोड़ना ही है। डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट द आंसर सीट बैक टू द इन्विजिलेटर, फेलिंग टू डू सो वुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। आपको जो OMR सीट है उसको आपको वापस करनी है, यानी कि वहाँ पर जमा करनी है। इन्विजिलेटर को आप जमा नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक पेन, पहले ही बता चुका हूँ आपको। OMR सीट हो चाहे आपको क्वेश्चन बुकलेट पर जो आपको अभी मैंने बताया है, नाम, रोल नंबर और आपका एनरोलमेंट नंबर भरना हो, सभी में आप ब्लू और ब्लैक जो है पेन का यूज करेंगे, जेल पेन यूज नहीं करेंगे। यूज ऑफ वाइटनर, इरेजर ब्लेड और फ्लड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल प्रोहिबिटेड, इंक प्रोहिबिटेड। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स, टीयर एंड पहले बता चुका हूँ मैं आपको। राइट अवर रोल नंबर केयरफुली, डार्क एंड द करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ओवल्स, इन केस ऑफ रॉन्ग ओवल्स आर डार्क एंड यू आंसर सीट विल बी इवेल्यूएटेड। ये आपने यदि पेंसिल से भरा है तो आपकी वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। सही तरीके से आपको भरना है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्रॉस व्रॉस नहीं करना है गोले के अंदर। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली एज मेंशनड ऑन द आंसर सीट। मेक श्योर टू गेट द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो साइंड बाई द इन्विजिलेटर इज विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी क्लेम ऑफ योर मेक लेटर द काउंसिल। ये इन्विजिलेटर के साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इससे शो होता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये सेंटर पर बैठकर ही अटेंड किया गया है। इसके अभाव में आपको ये हो सकता है कि आपने इसको चोरी करके कहीं से प्राप्त किया हो और रॉन्ग तरीके से आपने एग्जाम दिया हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आ इंटेंशनली एंड फॉल्सफुली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंक्लूड्स बी टू वाई एंड पे फॉर इट द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट ए एंड, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल, ही विल नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल। हिंदी में भी मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ये जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को यह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ये यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी, उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम कौन सी धारा लागू होगी? तो यहाँ पर मैंने इसको ढूंढने के लिए क्या किया था, सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग कर रहा था कि किस बेयर एक्ट से ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है साक्ष्य अधिनियम। तो एविडेंस एक्ट की बुक उठा करके मैंने सीधा देख लेता था और आपको पेज बाई पेज, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन नहीं देखना, पेज बाई पेज देखना है आपको। जैसे ये पेज नंबर 1 है तो आपको पूरे पेज में ये मोटा मोटा देख लेना है कि किस बेयर एक्ट से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको सभी एक आप उठाएंगे बेयर एक्ट, तो उसमें से जितने भी आए होंगे सभी आप एक साथ देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन के लिए आप बुक बदलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, थोड़ा सा आप सोच के ध्यान करिए और कॉपी पेन लेकर के अपना जो भी आंसर है उसको एक सही क्वेश्चन के लिए आप सही आंसर के लिए प्लस 1 और कॉमा करके, यदि आपका गलत होता है तो आप -1 मार्क करते चलिए और लास्ट में आप देखिए कि आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। सही के लिए +1 और गलत आंसर के लिए -1 आप नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बीच में। और यदि आपको वीडियो की स्पीड ठीक नहीं लग रही हो तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपका पहले का आंसर है सी, सेक्शन 115 यानी कि धारा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपीज मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। ये क्या है इसका आंसर,
पूरे आप जितने भी ऑप्शंस हैं सभी को पढ़ते जाइए। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में आपका क्या क्या आएगा? आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, मध्यस्थता अधिनियम 1940, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, मध्यस्थता प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937, द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961, विदेशी व्यापार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961। ये सभी इसमें सही हैं, तो दूसरे का आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। वॉलंटरीली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इसका आपका आंसर बताइए क्या होगा? इसमें आपका आंसर रहेगा ए। सेक्शन 326B ऑफ द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 326B, यानी कि 326 खा भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। ई इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हियर, इफ देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए हिज एक्ट इज, ये कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उछल कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है, यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया। चारों ऑप्शन आपके साथ में हैं, इसका आंसर बताइए। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो नोट कर रहे हैं उसको पूरा, जो प्लस बन के हैं उसको आपको काउंट करना है। प्लस बन वाले आपके जो आंसर्स हैं यदि 40+ होते हैं तो आप पास हो जाते हैं, यदि उससे कम होते हैं तो आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। मेरे वीडियो के अलावा आप और भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर यदि मैं अपलोड करता हूँ दूसरा सेट तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर रहेगा आपका सी, नॉट एन ऑफेंस, अपराधी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव। ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी राइट्स अ लेटर इन इमिटेशन ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग परपजिंग परपोर्टिंग टू बी एड्रेस्ड टू एन एकम्प्लिस इन सच क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड पुट्स द लेटर इन अ प्लेस विच ही नोज दैट द ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस आर लाइकली टू सर्च ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर, ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है, ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपका है बी, पांचवें का आंसर बी। सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी की धारा 192 के अंतर्गत, जो इंडियन पिनल कोड की धारा 192 उसके अंतर्गत यह अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नंबर सी, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ये आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। ए टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए के बाद में नेक्स्ट ऑप्शंस आपके हैं। क्वेश्चन नंबर सात में का आंसर है सी, सुंदरमल सुंदराम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम के अनुसार, इसका आंसर है ए, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड
एज 15 ईयर ऑफ एज, बच्चे का अर्थ है कि वह एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ दी कैपेसिटी एंड ऑल्सो दी राइट टू टेक इन एडॉप्शन। द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। द पर्सन अडॉप्टेड इज़ कैपेबल ऑफ बींग टेकन इन अडॉप्शन एंड द अडॉप्शन इज़ मेड इन कम्प्लाइंस विद द अदर कैंडिडेट्स मैंसन्ड इन दिस चैप्टर मैंसन्ड अंडर। एक वैध गोद लेने के अनुरोध, कोई गोद लेने के लिए मन नहीं होगा तब तक जब गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी हैं। गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है। गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है और इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। चारों ऑप्शन आपके साथ में हैं, आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2019, एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक एज डिफाइंड अंडर द एक्ट बाई अ मुस्लिम हजबेंड अपॉन हिज वाइफ बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन एनी अदर मैनर वाट सो एवर शैल बी द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो। चारों ऑप्शन आपके पास हैं, 10वें का है डी, ऑल ऑफ दी एबव। कौन कौन से हैं? वॉइड, कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल। आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूट्स बाई इंडिजेंट पर्सन्स इज डील्ड अंडर, अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है? इसका आंसर है बी, ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेस जस्टी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डील्ड अंडर रेस जस्टी, समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटाया जाता है। इसका आंसर है ए, सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आप किसी एक भाषा को लेकर चलिए, आप जो भी भाषा उसमें भरेंगे उसी भाषा में आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे, यानी कि क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी का एक सा रहता है, उसका आंसर भी वही रहता है, बस आपको जो भी भाषा ज़्यादा समझ में आती हो उसको आपको भरना है, उसी तरीके से आपको इसको अटेंड करना है। दोनों यदि आप पढ़ेंगे क्वेश्चन हिंदी में भी अंग्रेजी में तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके पास में टाइम नहीं बचेगा, इसलिए जो आपको ज़्यादा आती है उसको पढ़ें। इसके अलावा यदि आपको उसमें भी समझ में नहीं आ रहा तब आप अदर भाषा पढ़ें, एक तो इसमें इंग्लिश कंपलसरी रहती है, दूसरी आपको क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज इसमें रहती है, क्योंकि यहाँ UPMP के लिए यहाँ पर आपको हिंदी मिल जाएगी, अदर स्टेट्स के लिए आपको वही स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आपको मिल जाएगी इंग्लिश के साथ में। तो 12वें का आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथनासिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इन द केस ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया। इसका तेरहवें का बी, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 5SCC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उपबंधित है संबंधित है। 14वें का आंसर
आंसर डी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स इज सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम चुनाव प्रक्रिया के उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त जानने का अधिकार। ये जो है आरटीआई से आया था आपका, इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए आर्टिकल 19(1)(a) जो कि आपको मीडिया को भी प्राप्त है। ये जो अधिकार है चुनाव प्रक्रिया उम्मीदवारों के पूर्व जानने का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप विचारधारा अभिव्यक्ति धरना आस्था और पूजा की। क्वेश्चन नंबर 17 अंडर सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पीनल कोड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे का बच्चे द्वारा उसकी कितनी उम्र के नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता। तो इसमें है आंसर आपका, इसका आंसर है आपका 17 का बी, 7 साल, 7 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आर वी रुडली एंड स्टीफन स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल दैट। आर वी डडली और स्टीफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? इसका आंसर है ए, किलिंग एन इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन इज नॉट अ डिफेंस एंड नेसेसिटी कैन नॉट बी प्लेज प्लीडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर। अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्नड बाई द मिताक्षरा लॉ कन्फरिंग ऑन डॉटर कॉपर सीनरी स्टेटस बाई सब्सटीट्यूटिंग न्यूज सेक्शंस फॉर मिताक्षरा कानून का द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? इसका आंसर है आपका ए, सेक्शन 6 धारा 6। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह की शर्तें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 अ मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 22 ईयर्स मैरीज हर मैटरनल अंकल्स सन ऑफ 23 ईयर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द स्पेशल मैरिज एक्ट सच मैरिज इज। विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो यह विवाह है। इसका आंसर है सी, व्यर्थ होगा यानी कि वॉइड यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। इसका आंसर है आपका ए, 1988, 1988। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेशन टू द थ्री फोरम्स इन एंटरटेनिंग अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? इसका आंसर है आपका डी, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, उस तारीख से 2 वर्ष की जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 द अनसेटल मॉडल लॉ
एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज द एज टू बिकम एन एड टू कंस्ट्रू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ यूनिसेट्रल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके ऐसा इस मामले में माना गया। इसका आंसर है 24 का ए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी तीनों हैं इसमें, इसलिए आप भरेंगे इसमें ऑल ऑफ द अबव। ए डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है, एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स टेलेक्स टेलीग्राम्स और अदर मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड आ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र टेलेक्स टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एक्सिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिग्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर, दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आयोजित आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वेवर ऑफ द राइट टू ऑब्जेक्ट डेवियंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशनड अंडर ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। इसका आंसर है बी सेक्शन 4 धारा 4, द प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेज फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अप टू अ पीरियड ऑफ, प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिसके लिए कारावास की सजा की अवधि। इसका आंसर है ए 7 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 195 सीआरपीसी इट इज मैनिफेस्ट दैट इट कम्स इनटू ऑपरेशन एट द स्टेज व्हेन द कोर्ट इंटेंड्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेचुटरी पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन एफआईआर विच डिस्क्लोजेज आ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन अदर वर्ड्स द स्टेचुटरी पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अंडर द कोड इज नॉट इन एनी वे कंट्रोल्ड और सरकमस्क्राइब्ड बाई सेक्शन 195 सी आर पी सी, दिस वॉज हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सी आर पी सी की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सी आर पी सी की धारा 190 उपधारा 1 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1952 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998। क्वेश्चन नंबर 29, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10th January 2020 रिलेट्स टू द चैलेंज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग इंश्योरेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रेट, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 से है जिसके लिए रेट जारी करने की आवश्यकता है। इसका आंसर है ए, फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाई विच ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैव बीन शट डाउन इन जे एंड के,
सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) रीड विद आर्टिकल 19(2) इन द केस ऑफ, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या ख़त्म किया। इसका आंसर है डी, श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल 145 सबसेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सेट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द पर्पजेज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंसेज अंडर आर्टिकल 143 सेल वी। अनुच्छेद 145 उपधारा 3 के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून प्रश्न हैं अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। इसका 31 का आंसर है सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड। आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि, इसका आंसर है डी। ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। इसका आंसर है ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st एक्ट 2016, संविधान 101वां अधिनियम 2016। क्वेश्चन नंबर 34, द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका की उपयोगिता है। आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। उदारीकृत लोकस्ट स्टैंडी, लिबरलाइज्ड लोकस्ट स्टैंडी द प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडवर्सरियल, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकरण किया जाना, ये सभी है इसके। क्वेश्चन नंबर 35, द पिटिशनर अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हु हैड डन सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डीपली इंटरेस्टेड इन एंश्योरिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चैलेंज्ड द प्रैक्टिस फॉलोड बाई द स्टेट ऑफ बिहार इन रिप्रोमलगेटिंग अ नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेज विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। द कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशनर एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक हैज सफिशियंट इंटरेस्ट टू मेंटेन अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 द रिलेट्स टू द केस ऑफ। याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेश को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है। का बी, डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एआईआर 1987। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, वेयर अ लीगल रॉन्ग और अ लीगल इंजरी इज कॉज्ड इन टू अ पर्सन और टू अ डिटर्मिनेट क्लास ऑफ पर्सन्स बाय रीजन ऑफ वायोलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट और एनी वर्डन इज इम्पोज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन और विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ और एनी सच लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी और इलीगल बर्डन इज थ्रेटेंड एंड सच पर्सन और डिटर्मिनेट क्लास ऑफ पर्सन बाई रीजन ऑफ प्रॉपर्टी पॉवर्टी हेल्पलेसनेस ऑफ डिसेबिलिटी और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजिशन अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ रिलीफ एनी मेम्बर ऑफ पब्लिक कैन मेंटेन अ एप्लीकेशन फॉर एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑर्डर और रेट इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड इन केस एनी ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सच persons or determinate classes of persons in this court under article 32 seeking judicial redress or for the legal wrong or legal injury caused to such person or determinate classes class of persons justice bhagwati in the case of
जहाँ किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है। इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा, और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असफलता और विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा? इसका आंसर है सी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इम्पोजिशन ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम्स और डिफेंसेस इज डील्ड अंडर झूठे या घिनौने दावों का बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। इसका आंसर है बी, सेक्शन 35A, सेक्शन 35A ऑफ CPC, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इस प्रोविजन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC डील्स विद सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज ऑफ समन्स अपॉन द डिफेंडेंट्स। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रगति प्रतिवादी पर समन की उपस्थिति सेवा से संबंधित है? इसका आंसर है सी, ऑर्डर फाइव आर ट्वेंटी। आर मीन्स रूल, ओ मीन्स ऑर्डर, यानी कि आदेश 5, नियम 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है? इसका आंसर है सी, एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रिवेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजरियस टू इन्वायरमेंट। किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल ग्रीवन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज इज ज्यूरिडिक्शन विद रेफरेंस टू। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता? इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, सेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006। ये दोनों हैं ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 41, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी वाई मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज नोन एज। इलेक्ट्रॉनिक संचार के एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सी, फिशिंग, धोखा या ठगना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, क्षतिपूर्ति अनुबंध निम्नलिखित में से किस तहत परिभाषित किया गया है, किसके तहत परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ए, सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पीक वर्सेस जर्नी इज अ फेमस केस रिलेटेड टू, पीक बनाम गुरनी किस संदर्भ में संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? इसका आंसर है बी, फ्रॉड, धोखाधड़ी के संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रोविजन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विद द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द
मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है बी, सेक्शन 164। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अटेंडेंस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकंडिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन। फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत की जा सकती है? इसका आंसर है ए, 83। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है? इसका आंसर है सी, 205। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन पिन वेयर अ पर्सन लवफुली डज एनी थिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनी थिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेसियसली एंड सच अदर पर्सन एन्जॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ द लेटर इज वॉन्ट टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू डू और टू रीस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आंसर है सी, क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एग्रीमेंट इज समझौता क्या है? आंसर है ए, अ प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है? आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, भूमि के उत्पन्न होने के वाले लाभ, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें। थिंग्स परमानेंटली फॉल्स फास्ट एंड टू एनी थिंग अटैच्ड टू द अर्थ, चीज़ें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज़ से जुड़ी हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, टेम्प्ररी ऑक्यूपेशन ऑफ बेस्ड और अरेवल लैंड प्रोसीजर व्हेन डिफरेंस एज टू कंपनसेशन एग्जिस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद है। इसका आंसर है सी, सेक्शन 35 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कृषि या बागवानी का तरीका। अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की प्रस्तुति। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एकीकृत परिस्थितियों परिपथों की स्थलाकृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बीपो WIPO हैज रिप्लेस्ड प्री एग्जिस्टिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? आंसर है बी, BIRPI, BIRPI। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया? आंसर है ए, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं हम भारत संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, द प्रोविजन्स ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई ऑल्सो टू
एनी ऑफेंस कमिटेड बाई भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो, आंसर है डी ऑल ऑफ दी एबव, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एन एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर चाहे वह जहाँ भी हो, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर जीएसटी लॉ डज नॉट इंक्लूड, जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है, आंसर है बी करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अंडर आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद के किसके द्वारा गठित किया जाता है, जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है, आंसर है सी द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है, इसका आंसर है T7 का आंसर है बी सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 का H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अमंग अदर थिंग्स द फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट फॉर एडवोकेट्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं, ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है, इसका आंसर है ए सेक्शन 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एबॉट पेरी व्हाट आर द 7 लैंप्स ऑफ एडवोकेसी, न्यायमूर्ति एबॉट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं, आंसर है बी ऑनेस्टी करेज इंडस्ट्री रिट एलिक्वेंस जजमेंट एंड फेलोशिप, ईमानदारी साहस उद्योग बुद्धि बाग्मिता निर्णय और अध्येयता वृत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, इसका आंसर है ए 3। क्वेश्चन नंबर 61, एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस, एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है, आंसर है बी अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस व्हाट विच इट इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, बिस मेजर मींस देवकृत का मतलब है, इसका आंसर है ए एक्ट ऑफ गॉड, भगवान द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डॉक्ट्राइन ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स मींस, टॉर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है, इसका आंसर है ए एन एक्ट ऑफ द सॉवरेन
पावर ऑफ अ कंट्री दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड कंट्रोल्ड और इंटरफियर्ड विद बाई म्यूनिसिपल कोर्ट्स। किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगर पालिका अदालतों द्वारा चुनौती नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है तो 63 का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इन टॉर्ट्स ऑल पर्सन हु एड और काउंसिल और डायरेक्ट और ज्वाइन इन द कॉमिटल ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट आर नोन एज टॉर्ट्स। में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य को करने या होने देने में सहायक होते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है बी, ज्वाइंट टॉर्ट फीसर्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ज्वाइंट फोर फीजर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सेक्शन 105H ऑफ CRPC डील्स, अनुभाग 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है ए, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डील्ड अंडर, किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है? आंसर है डी, सेक्शन 168 ऑफ CRPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, डिक्री होल्डर मीन्स, डिक्री धारा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ए, एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और ऑन एन ऑर्डर कैपेबल टू एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट HSSA 2005 प्रोवाइड्स फॉर वुमन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम HSAA 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी एबव। प्रोपोर्शनरी राइट्स एक्ट पर द मैन, पुरुषों के साथ तालमेल का अधिकार, इनहेरिटेंस राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम हर पेरेंट्स एक्ट पर विधार ब्रदर्स, अपने माता पिता के से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, इनहेरिटेंस ऑफ द सेल्फ एक्वायर्ड एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, अपने मृत पति की स्वाधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। आंसर है बी, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अ हिंदू वाइफ हैड बीन लिविंग विद हर चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर विदाउट एनी असिस्टेंट एंड हेल्प फ्रॉम द हस्बैंड मैनी ईयर्स, द वाइफ वॉज एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस अंडर, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही थी, पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रख रखाव की हकदार है। इसका आंसर है सी, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 18 उपधारा 2 क्लॉज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलाइन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज डील्ड अंडर, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? आंसर है डी, सेक्शन 83। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, एन ऑर्डर
इश्यूड बाई कोड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एज पर ऑर्डर 21 रूल 46 फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू जजमेंट क्रेडिटर इज नोन एज नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 के आदेश 21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। आंसर है बी गार्नीज गार्नेसी ऑर्डर गार्नेसी आदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर 35 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील्स विद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35 की धारा 88 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर है ए इंटरप्लीडर सूट अंतर्वादीय मुकदमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 एम सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस रिलेट्स टू एम सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है। आंसर है ए वॉल्यूम गैस लीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 ए के क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। आंसर है ए लाइकलीहुड ऑफ बायस पूर्वाग्रह की संभावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेरिगेटेड लेजिस्लेशन में भी एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है। आंसर है डी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस अधिकातीत का सिद्धांत मेलाफाइट्स एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज डील्ड अंडर सेक्शन ऑफ सीपीसी पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत निपटा है। आंसर है सी 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी डील्स विद सीपीसी की धारा 14 के तहत निपटा है। आंसर है बी प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेज इन कोलकाता स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी ऑफ बी बी मेस्यू ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मान हानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। आंसर है डी आदरण कोलकाता और इन दिल्ली या तो दिल्ली या कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रिलेवेंट एज फॉर्मेट और एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन थ्रू ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडिया एविडेंस एक्ट ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है इन तथ्यों की घटना सामान्य लेनदेन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है। आंसर है बी सेक्शन 6 धारा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 681 सेक्शन 110 ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विद साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है। आंसर है सी बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 सेक्शन 113 ए ऑफ द
एविडेंस एक्ट डील्स विद साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A किससे संबंधित है? आंसर है डी। प्रिजम्पशन एज टू एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, एक विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओन ओज वी ₹10,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेवेंट अंडर एविडेंस एक्ट? सवाल यह है कि क्या ए बी को ₹10,000 का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? आंसर है डी, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। द फैक्ट्स दैट ए आस्क्ड सी टू लैंड ए मनी, वह तथ्य जहाँ ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। डी सेड टू सी इन ए इज प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर द फॉर ही ओज बी ₹10,000। ने को की उपस्थिति में उससे सुनते हुए कहा कि मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूँ क्योंकि उसके पास बी का ₹10,000 बकाया है। ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर, बिना किसी जवाब के चला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट टू अ कन्फेशन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड बाय द पुलिस मे बी प्रूव्ड अंडर। इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वह कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हो उसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। आंसर है सी, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एज टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर प्रेसेंस इम्प्रेशंस द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन्स स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ साइंस और आर्ट और इन क्वेश्चंस एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस आर रिलेवेंट फैक्ट्स दिस एज अंडर ऑफ द एविडेंस एक्ट। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञापन या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय जो कि विशेष रूप से कैसे विदेशी कानून विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल हैं को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत आता है। आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। इंडिया दैट इज भारत सेल बी आ, इंडिया जो कि भारत है एक। आंसर है सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। एन एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर 1987 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स केस द कोर्ट हेल्ड दैट श्री एम सी मेहता बनाम भारत संघ ए आई आर 1987 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमा में अदालत ने यह फैसला किया कि आंसर है ए, इन एस्केप ऑफ टॉक्सिक गैस द एंटरप्राइज इज स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली लाइबल टू कंपेंसेट ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट एंड सच लाइबिलिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द एक्सपेंस एक्सेप्शंस विच ऑपरेट विस अविस द टॉर्शियस प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। मेयर इलीगलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट पर सी स्पेल अनजस्टिफिएबिलिटी। जस्टिस कृष्णा अय्यर नेम द केस, हड़ताल की मात्र अवैधता दर असल न्याय अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? आंसर है सी, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेज गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा, गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 89, अ वर्कमैन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मी डायरेक्टली मेक एन एप्लीकेशन टू द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड द कोर्ट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट सच डिस्प्यूट एज इट हैड बीन रिफर्ड टू इट बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। इसका आंसर है बी, डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, बर्खास्त की, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज इन इशू, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, निहारेंदु दत्त मजूमदार वर्सेस एम्परर, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाई इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स इज एन ऑफेंस अंडर जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करने करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है। बी, सेक्शन 295A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है सिवाय। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, अ सेंटेंस ऑफ डेथ, मौत की सजा, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास, इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, पार्लियामेंट में वाई लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। आंसर है बी, आर्टिकल 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट फॉर द एडवोकेट्स अंडर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करता है। आंसर है बी, सेक्शन 7(1)(V) ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, अधिवक्ता अधिनियम की 1961 की धारा 7 उपधारा 1 क्लॉज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज पावर टू मेक रूल्स, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल एंड द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर सच मेंबरशिप, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, द क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज एडवोकेट्स, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, द स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन टू बी ऑब्जर्व्ड बाई यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड द इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर दैट पर्पज़, भारत में विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, XYZ जॉइंटली प्रोमिस टू पे ए एन अमाउंट ऑफ ₹50,000, सब्सिक्वेंटली XY बिकेम अनट्रेसिएबल, कैन बी ए कंपेल जेड टू पे, XYZ संयुक्त रूप से ₹50,000 की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, बाद में XY अप्राप्य हो जाते हैं, क्या ये भुगतान के लिए जेड को मजबूर कर सकता है। आंसर है ए, ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1 अपॉन ए धारा 43 परिच्छेद ए के तहत कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय 1 पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पज इज अकॉम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, दिस प्रोसेस इज
टर्म्ड एज, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। आंसर है बी, बेलमेंट, जमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सेक्शन 14A इंसर्टेड बाई द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 रिलेट्स टू विशिष्ट सहायता संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। आंसर है ए, पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर XSIA ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर को डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ अनुच्छेद 265A से लेकर 265L दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XSIA का संबंध किस धारा से है। आंसर है डी, प्ली बार्गेनिंग, दलील और सौदेबाजी। दलील और सौदेबाजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स इज डील्ड अंडर, आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है। आंसर है बी, सेक्शन 110 ऑफ CRPC दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस जो कि 100 नंबर के होते हैं, आपको केवल 40 नंबर लाने हैं पास के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप दोस्तों के साथ में शेयर, सभी अपडेट को तभी ये फ़ायदा मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।